संबंध है, फिर भगवत प्राप्ति का उपाय किया और हमें प्राप्त किया होगा, तीन चीज मिलेगा। इसलिए ये तीन चीज बात हमारे संप्रदाय में तीन आचार्य है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी हमारे संबंध का ये आचार्य श्री सनातन गोस्वामी, और इन्होंने जो विग्रह जो स्थापन किया है कहते श्री मदन मोहन है। इसलिए कहते संबंध तत्व जितना आपका दृढ़ हो ना, जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे, अगर नींव अगर बढ़िया हो फिर उसके ऊपर बिल्डिंग खड़े कर सकते हो, अगर नींव अगर गड़बड़ी हो ना फिर ऊपर बिल्डिंग खड़े कर दो तो बिल्डिंग ढह जाए। इसलिए कहते नींव बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए जो सनातन गोस्वामी कहते हैं हमारे संप्रदाय की ये संबंधादी आचार्य है, इसलिए इनका जो इसलिए इनका नाम क्या है सनातन। इसलिए कहते ममे वास जीवलोक जीवभूत सनातन, हाँ अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो प्रताप जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। इसलिए यदि सनातन गोस्वामी कहते इन्होंने ग्रंथ बनाया, कौन सा ग्रंथ है इनका विशेष ग्रंथ है बोलो, कौन सा ग्रंथ है हाँ बृहद भागवतामृतम, इनका ये विशेष ग्रंथ है जिसको हमारे गुरुदेव तो प्रकाशित किया है हिंदी भाषा में, और उन्हें जहाँ जहाँ जाकर के प्राय करके उन्होंने ये बृहद भागवतामृत ग्रंथ को गुरुदेव प्राय बोलते थे, क्योंकि वो ऐसे के ग्रंथ है कि जो जितने सारे शास्त्र है सारे शास्त्रों का निचोड़ कौन सा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जो अर्थायम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित, ये भागवत सर्वशास्त्र का सार है, लेकिन ये जो बृहत है भागवत है उसका जो अमृत है, हैं अगर इसको अगर किसी ने पढ़ लिया तो हैं इसलिए कहते वो पूरा उनको सारे ग्रंथ पढ़ना हो जाएगा, सारे ग्रंथ पढ़ना हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ये ग्रंथों को प्राय जगह में इसी ग्रंथ को करते थे, क्योंकि इसी ग्रंथ को बोल लो समझो सारे शास्त्र इसी में आ जाएगा, जिसमें उन्होंने पांच तरह का जिसमें भक्ति की बात बताई, भक्त कौन कौन है क्या बोला, पांच तरह का भक्त में कौन क्या कौन कौन सा है, ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेम भक्त प्रेमातु प्रेमातु भक्त कौन है उद्धव जी। इसलिए फिर गोपियाँ का नाम है, अब लोग गोपियों का नाम नहीं है, पहले गोपियाँ ना भक्तों के अंदर में गोपियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि जो गोपियाँ हैं कहते वो आनंद चिन्मय रस प्रतिभागिता भी, कहते राधा जी की जो कायद भी हो राधा जी की जो एक एक जो भाव है ना वो एक एक गोपी मूर्ति धारण किया, इसलिए ये भक्तों के अंदर में इनका नाम नहीं। इसलिए उद्धव जी जब ब्रज में आए और ब्रज में आकर के वासियों की फिर ब्रज गोपियों को जब उन्होंने प्रेम देखा फिर तो उन्होंने उनकी चरण की उन्होंने वंदना करते हैं, हैं इसलिए बंदे नंद ब्रज श्रीना पाद रेणु अभी, इसलिए राधा रानी की चरण की एक धूल को श्री उद्धव जी वंदना करते। इसलिए जो फिर एक में तो उन्होंने भक्त का तारतम्य और एक में धाम का तारतम्य बताया, ये गोलोक वृंदावन श्रेष्ठ किस लिए, और गुरु जी से हम लोगों ने जो मंत्र गोपाल मंत्र ये हमें कहाँ तक ये गोपाल मंत्र ले सकता है, जिसमें इसने अच्छे तरह से जिसमें हैं कैसे कैसे गोप कुमार कैसे कामाख्या देवी से मंत्र प्राप्त करते हैं और मंत्र प्रभाव से कैसे सारे लोगों को पार करते 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 सारे लोगों को कैसे लास्ट में श्री गोलोक वृंदावन में कृष्ण साथ में मिलते हैं। इसलिए उन्होंने स्वामी अद्भुत ग्रंथ उन्होंने बृहत भागवत अमृत ग्रंथ लिखे, जयताम सुरत और इसलिए इस श्लोक में कहते हैं कहते हमारे जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट मन है, सारी खेल मन का ही, मन ने बताया परिक्रमा में चलो परिक्रमा में, मन बोले ये मन जो बोलेगा ना वो सारे, इसलिए कहते मन पदाम भजो श्री राधा मदन मनो, इसलिए कहते जो मदन है ये सारा दुनिया को पागल बनाकर किसने रखा है, ये मदन है ये काम दे, हम ये माया संसार में क्यों भटक रहे हैं, ये मदन का काम है, ये मदन नहीं ये शरीर की स्टेज में बनी हुई है, पंच रचित ये अधम स्टेज मर्दुवम, पांच चीज अंदर में क्या है टाटी पे सब कुछ है ही नहीं, बदबू नीचे भी निकलेगा और मुंह से भी आंखों से भी और थोड़ा धूप में चले जाओ तो अपने रोम रोम से बदबू निकलेगा, लेकिन ये गंदे शरीर में हमें
किसने ये आसक्त दिला दिया जो संसार में फंस गए, ये मदन, ये काम देव सबको पागल बना कर रखा, ये काम है ना, ये काम देव ही सारा दुनिया को पागल बना करके ये झूठे संसार काम देव बनाया, और किसने नहीं उत्तीर्ण हो सकते है। इसलिए ये श्री सनातन गोस्वामी संबंध का देवता भी है, और सनातन श्री मदन मोहन भी हमारी संबंध का जो देवता, यही आचार्य श्री सनातन गोस्वामी। इसलिए इनसे ये प्रार्थना करो